शायद फर्स्ट क्लास क्रिकेट या दूसरी टूर्नामेंट, क्योंकि फर्स्ट क्लास सारा लेआउट हो चुका है तो उसको सारा समेटना इस टाइम शायद मुश्किल है, लेकिन आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं आपको बेहतर करने के लिए, इस टूर्नामेंट को वेटेज देने के लिए आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा वकार भाई, मेरा सवाल यह है कि बड़ी बातें हो रही हैं कि चैंपियंस कप में जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको पाकिस्तान में मौका मिलेगा, आपके पास ऐसी क्या गारंटी है कि जो चैंपियंस कप में अच्छा परफॉर्म करे, मैन ऑफ द सीरीज बने, मैन ऑफ द मैच बने, उसको पाकिस्तान में जगह मिले, जो दोस्ती यारी वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं होगा? मेरे पास कोई गिदड़ सिंह ही तो है नहीं इसकी, लेकिन ये है कि देखिए, जब आप मेहनत करेंगे, साफ दिल से मेहनत करेंगे जो मैंने हमेशा की है, तो आप देखेंगे जब रिजल्ट्स आएंगे, बच्चे नजर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली, अच्छी चीज़ कभी छुट्टी नहीं है, याद रखिए। आप कहीं से भी आएँ, कौन, मैं छोटे से शहर से आया हूँ और अगर मैंने सक्सेस इस तरह देखी है तो ये आई थिंक जो बच्चे परफॉर्म करेंगे, मैंने कहा ना अभी, मैंने पाथवे बताया आपको कि अंडर 19 भी है आपके पास ये कप भी है, फर्स्ट क्लास भी है, उससे नीचे भी, और फिर आपके पास ऐसा नहीं होगा कि जो नीचे वाले फर्स्ट क्लास अगर किसी ने रन किए हैं तो वो ठक करके ऊपर चला जाएगा, अनलेस अनटिल इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, और उसका पाथवे अगर फास्ट लेन है, लेकिन वो फिर इस चैंपियनशिप, इसके बाद फिर शाहीन का होगा, तो सिलेक्टर्स भी ऑफकोर्स ये देख रहे होंगे और ये आपको टेलीवाइज मैचेस हैं तो आपको नजर आ रहा होगा, तो फिर ज्यादा देर छुपती नहीं है। वकार भाई, कुछ दिन पहले चेयरमैन साहब ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो काफी परेशान नजर आए कि उनके पास बैकअप कोई नहीं है कि किसको निकालें जब सर्जरी के हालात नहीं है, तो आप पे, अब एज अ एक्सपीरियंस्ड कोच, आप इतने लेजेंड भी हैं, तो आप पे इत्माद किया है चेयरमैन साहब ने एक मेंटोर बना के, तो आपको लगता है कि जब ये चैंपियंस कप खत्म होगा तो आप चेयरमैन साहब की परेशानी दूर करने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, चैंपियनशिप तो एक टूर्नामेंट है, सिंगल लीग टूर्नामेंट है, 5 टीमों का। आप, मैंने ये कहा ना कि ये ना समझिए कि ये टूर्नामेंट होगा और हम एकदम वर्ल्ड चैंपियंस हो जाएंगे, इट विल टेक टाइम, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग, याद रखें। या मैं बैठ के आपसे जितने मर्जी वादे कर लूँ, ऐसा नहीं होगा कि ये कल ये ठीक हो जाएगी चीज़ें, इट विल टेक टाइम। हम थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, मैं खुद भी समटाइम इमोशनल हो जाता हूँ कि हम क्रिकेट हमारी कहाँ जा रही है, लेकिन जैसे कहें ना कि जब आपकी बीमारी बड़ी हो तो फिर उसको ठीक करने में भी थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, तो ये टूर्नामेंट ही सिर्फ इसकी वो नहीं है, आई थिंक ये पूरा साल जो उन बच्चों का ट्रैक रखना, जो उनके साथ मेहनत करना या उनके साथ कैंप्स करना और उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करना, इसके बाद आप देखेंगे कि फिर इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, रामिस हुसैन फ्रॉम पाक फैशन। मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप मेंटोरिंग कर रहे हैं और ऑब्वियसली अभी हमें रिजल्ट्स उस तरह नजर नहीं आएंगे, एक टाइम आप खुद कह रहे हैं, लेकिन कि आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, तो आई थिंक ये जो 5 लोग या स्किन के नीचे जो उनका जो स्टाफ है, ये प्योरली इसी काम के लिए आए हैं कि हमारी जो फिटनेस लेवल, स्किल लेवल, जो इनको सबको इनकी अवेयरनेस उनको देनी है, तो मुझे तो उम्मीद पूरी है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। थैंक यू जी।